गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप लोग? साथियों, आज के सुबह की शुरुआत मैं एक कहानी से करूंगा। और बचपन में मैं ये कहानी पढ़ा था अपनी किताब में, आप लोग भी इस कहानी को पढ़े होंगे। दोस्तों, एक जंगल था, उस जंगल में बहुत सारे कबूतर रहा करते थे। वो डेली अपने घोंसले से जाते थे, जंगल में दाना चुगते थे, और जब उनका पेट भर आता था तो वापस वो अपने घोंसले में आ जाते थे। डेली का उनका ऐसा दिनचर्या था। एक बार की बात है, एक बार एक जंग उस जंगल में एक शिकारी आया, और शिकारी उस जंगल में जाल डालने लगा। दोस्तों, जब शिकारी जंगल में डालने लगा तो डेली कुछ ना कुछ कबूतर जाल में फंस जाते थे। और ये चीज़ देख के कबूतर के सरदार को बहुत ही चिंता हुई कि अगर ऐसा ही चलता रहा तब तो सारे कबूतर खत्म हो जाएंगे। तब कबूतरों का जो लीडर थे वो सोचे कि भाई क्या करें, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, क्या करना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए, कैसे शिकारी से रक्षा करना चाहिए। तो उन्होंने पता लगाया तो बगल के गांव में एक महर्षि रहते थे जो काफ़ी जानकार थे। वो सोचे ना क्यों ना महर्षि की सलाह ली जाए, क्यों ना साधु बाबा के सलाह पे हम लोग चले, वो कुछ उपाय बता दे जिससे कि हमारा रक्षा हो। और जब वो कबूतर का लीडर साधु के पास गया तो साधु बाबा बोले कि एक काम करो, तुम अपने कबूतरों को सिखाओ, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन उसमें फंसना मत। कबूतर का जो लीडर था वो बहुत खुश हुआ, वो खुशी से जल्दी जल्दी जंगल पहुंचा और सारे कबूतरों को इकट्ठा करने के लिए बोला। सारे कबूतर इकट्ठे हो गए, तब उनका नेता उनको बताता है कि सुनो, कल से एक चीज़ याद रखना, तुम लोग जंगल में जब भी जाना तो एक बात याद रखना कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना मत। सारे कबूतर इस चीज़ को याद करने लगे क्योंकि उनका नेता बोला था कि यदि जान बचाना है तो यही मंत्र तुम्हारे काम आएगा, दूसरा कोई भी मंत्र काम आने वाला नहीं है। और सारे जो कबूतर थे वो रटने लगे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना मत, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना मत, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना मत। और अगले दिन ये कहते कहते कबूतर फिर निकल पड़े अपने भोजन के तलाश में। और सारे कबूतर यही बात बोल रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना मत। तो जब कबूतर ये बोलते जा रहे थे तो ये बात शिकारी को सुनाई दिया और शिकारी डर गया कि अरे कबूतर को तो पहले ही से पता है कि हम जाल बिछाने वाले हैं, दाना डालने वाले हैं, तब तो वो फंसेंगे ही नहीं। वो शिकारी क्या किया, जाल बिछाया ही नहीं। फिर अगले दिन आया तो अगले दिन भी कबूतर का यही दशा था, कबूतर सारे बोल रहे थे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना मत। और शिकारी का दोस्तों ये व्यवसाय था, अब वो चक्कर में पड़ गया कि क्या करें, हम ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। वो क्या किया, वो भी वहीं बाबा के पास गया, बोला बाबा से कि बाबा हमारे साथ तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। अब कबूतर इतने समझदार हो गए कि वो पहले ही जान जाते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना मत। तो साधु बाबा बोले कि शिकारी कबूतर अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। और साधु बाबा की बातों को सुन के वो गया, जाल बिछाया, दाना डाला और चुपचाप बैठ गया। फिर सारे कबूतर अपने दाने के तलाश में आए और यही बात बोल रहे थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना मत। और करते करते उनको दाना दिखाई दिया और कबूतर जाके दाना खाने लगे और जाल में फंस गए। और जाल में फंसने के बाद भी दोस्तों जितने भी कबूतर थे वो यही बात बोल रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना मत। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दुनिया में आप क्या जानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, दुनिया में आप कौन सा वीडियो देखते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, दुनिया में आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके पास नॉलेज कितना बड़ा है ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों, महत्वपूर्ण है कि उस नॉलेज को अमल में कितना लेते हैं। और आज 99% लोग जो असफल हो रहे हैं इसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो जो जानते हैं उसको अमल में लेते नहीं हैं, बस जानकार बन के बैठे हुए हैं कि हम मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मेरे पास ये नॉलेज है, मेरे पास वो नॉलेज है। दोस्तों, एक चीज़ याद रखें, लाइफ में परिणाम सिर्फ आपके ज्ञान का नहीं मिलता है,
लाइफ में यदि आगे बढ़ना है, लाइफ में यदि आपको परिणाम चाहिए तो आपके पास ज्ञान के साथ साथ कर्म भी होने चाहिए। उस ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन करना है, उस ज्ञान को बाहर निकालना है, उस ज्ञान को अपने कर्मों में शामिल करना है। और जो व्यक्ति अपने ज्ञान के साथ अपने कर्म को करता है उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, यदि ये बीमारी आपके अंदर भी है कि आप जानते बहुत हैं, किताब बहुत पढ़ते हैं, वीडियो बहुत देखते हैं, मीटिंग सेमिनार बहुत अटेंड करते हैं, लेकिन उसमें सीखे हुए बातों को अमल में नहीं लाते हैं, तो फिर उस शिक्षा का कोई भी परिणाम आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसी के साथ हम अपने इस कहानी को यहाँ पे समाप्त करेंगे दोस्तों। और आज की यही शिक्षा है कि जो जानते हैं आप, जो ज्ञान है आपके पास, उसका यूज करें, उसका प्रयोग करें, तब उसका रिजल्ट आएगा। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे तो। धन्यवाद।